हाय गाइस, मैं हूँ कल्पना। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं बनाने वाली हूँ पंपकिन की खीर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसे व्रत में भी खाया जाता है। पंपकिन खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पंपकिन, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू, आधा लीटर दूध और इलायची पाउडर पीस कर लिया है स्वादानुसार, और 1 कटोरी चीनी, इसे भी मैंने पीस कर लिया है। सबसे पहले हमें पंपकिन के ऐसे छोटे पीस काट के लेने हैं, इस तरह के ऐसे। अब हम हमारे पंपकिन को स्टीम करके लेते हैं। एक कढ़ाई में पानी, आधा कढ़ाई, और इसे ऐसे स्टीमर में हमें इसे 10 मिनट तक स्टीम करके लेना है। जब तक हमारे पंपकिन स्टीम होते हैं, तब तक हम शुद्ध देसी घी में हमारे ड्राई फ्रूट शालो फ्राई करके लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पंपकिन खीर को बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। हल्का हल्का हमें फ्राई करके लेना है। तो चलो, 10 मिनट हो गए हैं, हमारे पंपकिन अब अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने को रख देते हैं। ड्राई फ्रूट को हमें हल्का हल्का ऐसे पीस कर लेना है, चाहे तो आप मिक्सी में भी निकाल सकते हैं, ऐसा हल्का हल्का पीस के लेना है। इस तरह का। चलो, 10 मिनट हो गए हैं, पंपकिन हमारे यहाँ ठंड हो चुके हैं। हमें ऐसे इसके छिलके निकाल कर लेने हैं पंपकिन के, सब ऐसे छिलके निकाल कर हमें इसे ऐसे निचोड़ कर लेना है। हल्का हल्का हमें निचोड़ कर लेना है ऐसे। पंपकिन में जिंक, फाइबर और मैग्नीशियम उच्च मात्रा में मौजूद होता है। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और सूजन दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ब्लड वेसल्स को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। तो चलो, फिर हमें सब ऐसे निकाल के लेते हैं। अब हमें इसमें मिक्स करना है ड्राई फ्रूट जो पीस कर रख दिए थे, चीनी, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और इलायची पाउडर, और ये दूध, दूध ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिला के लेते हैं। और इसे हमें अच्छी तरह से मिला के लेना है इसे। तो गाइज, हमारी पंपकिन खीर बन के तैयार है। तो आप भी बनाइए और अपने परिवार के साथ मस्त खाने का आनंद लीजिए। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।